हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो वो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, बिकॉज जब हम मॉरिशस से रिटर्न आए थे तो हम लोगों को काफी सारे लोगों ने पूछा था डीएम करके, व्हाट्सएप पे और इवन कमेंट्स पे भी आप में से काफी सारे लोगों ने पूछा था कि भाई आपका टोटल जो बजट इस ट्रिप का कितना हुआ है, कौन सी फ्लाइट लेके गए थे आप, कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। बट अगर अभी तक आपने मॉरिशस की सीरीज के ब्लॉग्स नहीं देखे तो यहाँ पे मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, तो पहले जाके ब्लॉग्स चेकआउट कीजिए। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑल द बुकिंग्स। एज ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था और वो भी हनीमून वाला, तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने एक थर्ड पार्टी एजेंट से सारी चीजें बुक करवाई। ये जो हमारा ट्रिप है ये पूरा $650 पर पर्सन में पड़ा है और इसमें रिसॉर्ट विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड और एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप अप विद आइटनरी इंक्लूडेड है। इसमें कोई एयर फेयर नहीं है, मतलब अहमदाबाद से जो मुंबई गए और मुंबई से जो मॉरिशस गए वो फ्लाइट के पैसे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर कैलकुलेट करें तो हम दो लोगों का वहाँ पे रहने का और घूमने का खर्चा टोटल 92,000 पड़ा था। इसमें जो सबसे महंगी चीज है वो है हमारा 4-स्टार रिसोर्ट का स्टे, बिकॉज ये हमारा हनीमून था इसलिए हम अच्छी सी जगह पे रहना चाहते थे। बट अगर आपको ये बजट लो करना है तो आप कोई भी एक 3-स्टार होटल पे रह सकते हैं, जिसका यूजुअली जो रेंट होता है पर नाइट का वो 2000 से 3500 के बीच रहता है। और इस पूरी ट्रिप में हमने 20,000 से 25,000 रुपए तक सेव किए। वो कैसे सेव किए और कैसे आप ये सेव कर सकते हैं वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइट्स। अगर फ्लाइट्स की बात करें तो आपको यहाँ से एयर मॉरिशस और एयर इंडिया की फ्लाइट से वो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि यही जो फ्लाइट है जो डायरेक्ट इंडिया से मॉरिशस के लिए है। बट ये जो दो फ्लाइट है वो डायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया से मॉरिशस के लिए, बट ये फ्लाइट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई से ही ऑपरेट करती है। तो अगर आप इन 4 सिटी में से एक भी सिटी में नहीं रहते तो वो सिटी तक आपको अपने आप से ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि हमने किया था अहमदाबाद से मुंबई। इन दोनों फ्लाइट की जो टिकट है वो 42,000 से 45,000 के आसपास फ्लक्चुएट होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ तक जाने का जो आपका खर्चा होता है। लेट्स से हम अहमदाबाद से गए थे मुंबई तो हमारा 4,000 वो लग गया था, और मुंबई से हमें 42,000 या 43,000 में मॉरिशस की टिकट पड़ी थी, सो ऑलमोस्ट वो 48,000 पर पर्सन हो गया था। सो 48 + 48 मतलब 96,000 के आसपास जो हमें टिकट्स थे वो पड़े थे, और उसमें से कुछ 2-3,000 कैशबैक मिले थे, तो 92,000 के आसपास ही हमें पड़ा था टोटल। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो फ्लाइट्स की टिकट्स होती है वो 90,000 के प्लस होती है, मतलब वो कम से कम आपका जो रहने का और घूमने का खर्चा उसके आसपास या उससे ज़्यादा ही होगा। तो अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर जाने के लिए, वो है वीज़ा। वीज़ा जो है मॉरिशस के लिए वो ऑन अराइवल मिलता है, और इंडियंस को उसके लिए कोई पैसे नहीं देने होते, वो फ्री में मिलता है। बट ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपके पास दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास होना चाहिए रिटर्न टिकट, और दूसरा आपके पास वहाँ पे होटल बुकिंग होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो मे बी वो लोग आपका वीज़ा ऑन अराइवल डिक्लाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लाइट्स में आपको दो फॉर्म्स दिए जाते हैं, एक येलो कलर का और व्हाइट कलर का। ये बेसिकली जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कौन सा टाइम पीरियड में आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और आप उसके साथ साथ आपकी जो हेल्थ है उसके भी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगते हैं, और ये दोनों फॉर्म आपको वहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम पे सबमिट करना होता है। तो अब बात करते हैं कि कौन से महीने में आपका ट्रैवल करना वहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर मार्च तक मॉरिशस में हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म आते रहते हैं, जैसे कि आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा, जितने भी दिन हम लोग बाहर घूमने गए डेली वहाँ पे बारिश हुई, और हमारे सारे ब्लॉग्स, ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग्स में बारिश ही है। तो हो सके तो जनवरी टू मार्च में आप वहाँ पे ट्रैवल ना करें, और वहाँ पे आप अप्रैल के बाद जाए, क्योंकि अप्रैल के बाद थंडरस्टॉर्म या रेन का इशू नहीं होता और वेदर काफी अच्छा रहता है और सनी भी रहता है। अब बात करते हैं वहाँ के पीपल और लैंग्वेज के बारे में। मॉरिशस में 56% इंडियंस रहते हैं। यस, यू हैड इट राइट, 56% जो पॉपुलेशन है मॉरिशस की वो इंडियंस है। तो वहाँ पे हिंदी आपको सब जगह बोलने वाले मिल जाएंगे, और इवन आपको वहाँ पे हिंदी रेडियो स्टेशन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप देखें तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बाहर गए, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग आपके आसपास बहुत रहेंगे। उसके अलावा वहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और एक फ्रेंच से ही बनी हुई लैंग्वेज क्रेओल जिसे बोला जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। अगर पीपल की बात करें तो वो वहाँ पे बहुत फ्रेंडली है। अगर आप रोड पे किसी को कुछ भी पूछ लो, डायरेक्शन है या फिर कोई जनरल क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पोलाइटली आपको आंसर करेंगे। जितना हमने 7 दिन में एक्सपीरियंस किया, हमें कोई बुरा एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं हुआ है। लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही फ्रेंडली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू स्टे। अगर हमारी बात करें तो हम लोग अनिल्या रिसोर्ट में ठहरे थे, जो कि फ्लिक एंड फ्लैकर के एरिया है, वहाँ पे पड़ता है, और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ऑसम एरिया है। ये जो प्लेस है वो
पोर्ट लुई जो कि मॉरिशस का कैपिटल है उसे कुछ 35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से आपको इजीली बस या फिर कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा पोर्ट लुई ट्रैवल करने के लिए। उसके अलावा ये काफी हैपनिंग प्लेस है, उसके अलावा आपको काफी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं, और मॉरिशस का जो सबसे बड़ा बीच है फ्लिक एंड फ्लैग वो इसी एरिया में। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से प्लेसेस है जो मॉरिशस में आप विजिट कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लेसेस है जो हमने विजिट किए, और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमने की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई आइटनरी नहीं है मॉरिशस का, आपको पता नहीं आप क्या करने वाले हो वहाँ पे, तो डोंट वरी, आप जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे एग्जिट गेट के पास काफी सारे टूर ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पर डे का टूर या फिर पूरा जो आपका स्टे है उसका टूर वहाँ से आप बुक करवा सकते हैं। तो हमने जो हमारा आइटनरी का फर्स्ट डे था वहाँ पे विजिट किया था, हमने गंगा तालाब, वॉल्केनो क्रेटर और उसके साथ साथ आसपास दो तीन और मंदिर थे वो भी हमने विजिट किए थे। उसके बाद हम लोग गए थे 23 कलर्ड अर्थ पे, और वहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज की थी जैसे कि क्वाड बाइकिंग एंड जिप लाइनिंग, और उसका जो टोटल कॉस्ट हुआ था वो था 5000 मॉरिशियन रुपीज फॉर 2 पर्सन। उसके बाद हम लोग गए थे आइल ऑफ सर्फ आइलैंड पे एक पूरा दिन के लिए, जहाँ पे हमने वाटर एक्टिविटीज की थी जैसे कि पैरासाइलिंग, अंडर वाटर सी वॉक और वाटरफॉल राइड फॉर 7400 मॉरिशियन रुपीज फॉर 2 पर्सन। यहाँ पे मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा कि हो सके तो वाटर फॉर राइड के बदले एक ट्यूब राइड सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके साथ साथ ही आप कैटामैरन क्रूज भी ले सकते हो फॉर फुल डे विद लंच एंड ड्रिंक्स इंक्लूडेड फॉर अराउंड 2200 मॉरिशियन रुपीस पर पर्सन। इसके बाद हमने विजिट किया था फ्लिक एंड फ्लैग बीच जो कि मॉरिशस का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है, उसके बाद वाटर फ्रंट इन पोर्ट लुइस, अदमान डायमंड शोरूम, शिप फैक्ट्री, सिटाडल पोर्ट और कैसला रिक्रिएशनल पार्क जहाँ पे आप अफ्रीकन सफारी, वॉक विद लायन और इंटरेक्शन विद लायन भी कर सकते हो, पर अनफॉर्चुनेटली बारिश के कारण वो सभी चीजें बंद थी तो हम नहीं कर पाए थे। और भी काफी सारी चीजें जो मॉरिशस में आप एक्सप्लोर कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली बारिश के कारण हम इतना ही एक्सप्लोर कर सके। तो अगर आप लोग मॉरिशस की ट्रिप पे जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग प्रॉपरली प्लान करके जाए और बारिश के मौसम में बिल्कुल ना जाए। तो चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मॉरिशस में फॉर अ वीक तो आपको ये ट्रिप कितने में पड़ेगा। अगर हमारी बात करें तो 1,90,000 के आसपास जो हमें यहाँ पे अपफ्रंट पड़ा था, जिसमें फूड, आइटनरी और ट्रैवलिंग और रिसोर्ट इतनी चीजें इंक्लूडेड थी, और वहाँ पे जाके हमने कुछ 40,000 इंडियन रुपीज के आसपास खर्चा किया था, तो टोटल जो हमारा ट्रिप का बजट था वो हमें पड़ा था 2,30,000 के आसपास। तो अगर आप दो लोग मॉरिशस जाना चाहते हैं फॉर 7 डेज तो आपको तकरीबन ये ट्रिप है वो 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो और आप कहाँ पे स्टे करते हो। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमने 20,000 से 25,000 रुपए बचाए थे इस हमारी ट्रिप पे, और कैसे आप भी कोई भी अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे इतने पैसे बचा सकते हैं। तो हमने इस ट्रिप में यूज किया था नियो का फॉरेक्स ग्लोबल कार्ड जो कि एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, बट इसमें कोई सरचार्ज या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता जो आपको ICICI या फिर कोई और बैंक का जो फॉरेक्स कार्ड है उस पे लगता है। इसमें आपको जो रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन का रेट होता है वही मिलता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जब हम लोग ने मॉरिशस एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मैंने 5000 इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करवाया मॉरिशियन रुपीस में, जिसके मुझे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1400 मॉरिशियन रुपीस मिले, और अगर मैं वही अमाउंट अगर मैं नियो ग्लोबल कार्ड से पे करता तो मुझे मिलते कुछ 2400 या 2500 मॉरिशियन रुपीस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1000 मॉरिशियन रुपीस सेव कर लिए अपने नियो ग्लोबल कार्ड यूज करके। तो आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे कार्ड है वो फ्रीली एक्सेप्ट होता है हर जगह पे, तो आप डेफिनेटली नियो कार्ड यूज कीजिए, कैश मत यूज कीजिए, क्योंकि जो आपको करेंसी रेट है उसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपके डाउट्स वो भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, वहां पे मैं आपको आंसर जरूर दे दूंगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।